विकसित भारत की यात्रा का आधार है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs। क्या आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान है 1/3। आसान शब्दों में अगर कहें, भारत आज अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से योगदान देता है 30 रुपए का MSME सेक्टर। करोड़ों लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका है MSME सेक्टर की। देश इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए खुद को फ्यूचर रेडी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पहली बार पहचाना है MSME सेक्टर की असली ताकत को। इसीलिए MSME सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों कामगार देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसीलिए MSME सेक्टर है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। सरकार ने MSME को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया। MSMEs को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, MSMEs का फॉर्मलाइजेशन हो, इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया। PLI स्कीम और FDI रिफॉर्म्स जैसी योजनाओं ने MSMEs को भर दिया है एक नई ऊर्जा से। सरकार ने रास्ते की बाधाएं हटाकर MSME सेक्टर को दी है तेजी से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है इस बार के बजट में MSMEs के लिए लॉन्च की गई नई क्रेडिट गारंटी स्कीम। 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली MSMEs ही प्रिजम्प्टिव टैक्स के लाभ के दायरे में थीं, लेकिन अब 3 करोड़ रुपए तक की आय वाली MSME भी इसका लाभ उठा सकती हैं। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली MSMEs को 30% टैक्स देना होता था, आज ये रेट 22% है। MSME सेक्टर और इंडस्ट्रीज के सशक्तिकरण से भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सरकार के प्रयासों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा MSME सेक्टर दरवाजे पर दस्तक दे रही नई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि MSMEs के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी और साकार होगा विकसित भारत।